अराजकता का माहौल था, महिलाएं शाम होने के बाद घर से निकल नहीं पाती थी, हत्या अपहरण लूट बलात्कार की घटनाएं रोजमर्रे की घटना बन गई थी। सत्ता में आए नीतीश कुमार जी, कितना अच्छा चल रहा था। जब नीतीश कुमार जी ने सीधे तौर पे घोषणा कर दी, फरमान जारी कर दिया कि हम बिहार को उन्हीं हाथों में फिर से सौंपेंगे, वह दिन भी आया जब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सत्ता का परिवर्तन हुआ। तो वह जो संघर्ष का दौर था, 12 साल 14 साल का संघर्ष, क्यों संघर्ष हुआ था भाइयों और मित्रों, उस समय जो स्थिति थी राज्य की सब लोग जानते हैं। राज्य भर में एक तरह से कहिए कि पूरे तौर पे अराजकता का माहौल था, महिलाएं शाम होने के बाद घर से निकल नहीं पाती थी, माताएं घर में बैठकर सोचते रहती थी बच्चा स्कूल गया है पता नहीं शाम तक लौट कर आएगा कि नहीं आएगा, हत्या अपहरण लूट बलात्कार की घटनाएं रोजमर्रे की घटना बन गई थी। उस खौफनाक स्थिति से बिहार को बाहर लाने के लिए संघर्ष चला था और बिहार के लोगों ने इसी मकसद से नीतीश कुमार जी के ऊपर बिहार का दायित्व सौंपने का काम किया था। कितना अच्छा चल रहा था, सत्ता में आए नीतीश कुमार जी, कितना अच्छा चल रहा था, विकास के रास्ते पर बिहार आगे बढ़ा। नीतीश जी को इस बात के लिए इतिहास हमेशा याद रखेगा कि उस खौफनाक स्थिति से नीतीश जी ने बिहार को कितनी मेहनत करके बाहर निकालने का काम किया। तो इतना अच्छा चल रहा था, लेकिन अब जब नीतीश कुमार जी की राजनीति का अंतिम क्षण आया है, खुद ही नीतीश जी ने कहा कि अब आगे हमको नहीं रहना है, तो जब उनकी राजनीति की अंतिम घड़ी आई, मुझको भी बड़ा दुख हुआ, आश्चर्य लगा, और मुझको लगता है कि आप नालंदा के लोगों को भी निश्चित रूप से आप लोगों का भी मन दुखी हुआ होगा। जब नीतीश कुमार जी ने सीधे तौर पे घोषणा कर दी, फरमान जारी कर दिया कि हम बिहार को उन्हीं हाथों में फिर से सौंपेंगे जिन हाथों ने बिहार को 2005 के पहले तोड़कर मरोड़कर बर्बाद कर दिया था, हर तरह से उन्हीं हाथों में बिहार को सौंपने का फरमान नीतीश जी ने सुना दिया। जब नीतीश कुमार जी ने इस तरह का डिसीजन सुना दिया, हमने तो बहुत प्रयास किया, पार्टी में रहते हुए, जनता दल यूनाइटेड में रहते हुए हमने बहुत कोशिश की, हमने प्रयास किया, व्यक्तिगत रूप से नीतीश कुमार जी से मिलकर एक बार नहीं कई बार आग्रह किया, पार्टी के विभिन्न मंचों से हमने कहा यह ठीक नहीं है, इससे पार्टी धीरे धीरे कमजोर हो रही, जनता दल यूनाइटेड समाप्त हो जाएगा, आप अपने निर्णय में बदलाव लाइए। लेकिन नीतीश जी, हम लोगों की बातों पर कोई ध्यान उनका नहीं हुआ और उसी निर्णय के हिसाब से आगे बढ़ते चले गए।